चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेल्डिंग और NDT में। आज हम लोग WPS कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, WPS बनाने के पहले हमको प्रपोज WPS बनाना पड़ता है। अगर मैं पहले समझेंगे प्रपोज WPS क्या है। ठीक है, प्रपोज WPS कोई भी हम लोग जॉब स्टार्ट करने के पहले अपने को कितना करेंट देना है, कितना वोल्टेज देना है, वेल्डिंग के टाइम कौन आपका जॉब, किस कौन सा जॉब आप यूज़ करने वाले हो, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो हैं इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर ये PWPS बनता है। ठीक है, PWPS का फुल फॉर्म होता है प्रपोज वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। इसका यूज हम लोग कोई भी डिटेल के लिए, कोई भी मटेरियल हर हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले हैं या जो नया जॉब स्टार्ट करने वाले हैं उसका डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए करेंगे। और हमको उसके बेस पे हमको कितना करंट देना है, कितना वोल्टेज देना है, किस एम्पियर से हम लोग वेल्डिंग को स्टार्ट करना है, करने वाले हैं, वो ये PWPS में बताता है। और इसके बेस से ही आपको WPS बनता है। ठीक है, चलिए PWPS तो आप थोड़ा समझ में आ गया होगा ये कैसे इसको प्रपोज करते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रपोज वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ये AWS D1.1 के हिसाब से, रिसेंट 20 के हिसाब से बना है। और ये इसमें आपको हर चीज़ मिलेगा, जैसे कि ये देखिए ज्वाइंट डिटेल है इसमें। ठीक है, पायरेट मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, थिकनेस रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन है, फिलर मटेरियल कौन सा यूज़ करने वाले हैं वो है। उसके बाद आपको मतलब इसमें सब चीज़ डालना है। और ये किस कैसे ये सब अब निकालेंगे ना, ये वीडियो में आपको ये मैं टोटली सिखा दूंगा कैसे इसको हम लोग रिटर्न करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए। आगे चलिए आगे बात करते हैं WPS के बारे में। WPS क्या है, मेन में ये क्वेश्चन आता होगा कि WPS क्या है। तो है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिससे हम लोग इसके बेस पे वेल्डिंग ऑपरेटर को हम लोग डायरेक्शन बताते हैं और वो किस पोजीशन में वेल्डिंग होने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और या उसको बताते हैं। ठीक है, और WPS कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, और WPS क्यों ज़रूरत है इसके बारे में भी बताऊँगा। देखिए, WPS इसलिए ज़रूरी है कि अपना किस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग अपना इंडस्ट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पे बेस्ड रहता है। और वेल्डिंग को स्टेबल करने के लिए, मतलब वेल्डिंग को जैसे कि मान के चलिए आपको वेल्ड किया आपने और वो स्टेबल है कि नहीं, वेल्ड स्टेबल है कि नहीं, जैसे ये सब जो स्टैंडर्ड्स इसमें लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 15162, ISO 15690। WPS रिक्वायर्ड टू इंश्योर ए स्टेबल वेल्ड को इंश्योर करने के लिए इसका यूज जरूर पड़ता है। चलिए WPS बनाने के टाइम और रिटर्न करने के टाइम क्या क्या अपने को देखना पड़ता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें WPS करने के पहले आपको तीन वेरिएबल के बारे में जानना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, अगर कोई भी वेल्डिंग हम अगर करते हैं उसमें आपका तीन वेरिएबल, मैंने चलिए वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। देखिए WPS में आपको तीन वेरिएबल देखने को मिलेंगे, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सप्लीमेंट्री इसेंशियल वेरिएबल। ठीक है, इसेंशियल वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं तो मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। इससे हमको WPS को रिक्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, WPS को रिक्वालीफाई करना। नॉन इसेंशियल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी हम लोग अगर चेंज करते हैं तो WPS को रिक्वालीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और सप्लीमेंट्री वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको चेंज करने से अपना जो टफनेस प्रॉपर्टीज है वो अफेक्ट करता है और हीट इफेक्टेड जोन भी इफेक्ट होता है और बेस मटेरियल भी इफेक्ट होता है।
इससे अगर हम वैसे और सप्लीमेंट्री वेरिएबल चेंज करेंगे तो उसको इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वालीफाई करना पड़ेगा फिर से। चलिए नेक्स्ट, ये कैसे कैसे हम डब्ल्यू पी एस बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए डब्ल्यू पी एस कैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या क्या आपको एस एम ई सेक्शन 9 में देखना पड़ता है, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले डब्ल्यू पी एस के बारे में आपको मैं वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करते हैं ज्वाइन डिटेल। देखिए सबसे पहले आपको आपका आपके साइट पे पता होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये AWS D1.1 होता है और IS 7307 स्टैंडर्ड यूज होता है, और दो तीन और स्टैंडर्ड भी होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग SME सेक्शन 9 के बारे में ही ज़रा डिटेल में जानेंगे। चलिए कैसे हम लोग, सबसे पहले आपको क्या क्या इसमें SME सेक्शन 9 से देखना है इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट में आता है ज्वाइन डिटेल। सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका आप जो टेस्टिंग करने वाले हैं या जिस बेस मटेरियल के लिए, जिस भी बेस मटेरियल या पैरेंट मटेरियल के बारे में आप डब्ल्यू पी एस बनाने वाले हैं, वो आपको उसका ग्रेड मालूम होना चाहिए, उसका कौन सा आईएस स्टैंडर्ड उसका मटेरियल है, जैसे कि 2062 का होता है और सारा बहुत सारा अलग अलग कोड का मटेरियल आता है, जैसे E250BR भी आता है, E250 350BR आता है, ये सब अलग अलग ग्रेड आता है। आपको पाइपिंग आ जाएंगे तो आप अलग अलग ग्रेड का भी मटेरियल आता है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, आपका सबसे पहले फर्स्ट में आता है ज्वाइन डिजाइन। आपका ज्वाइन डिजाइन भी में आपको गुरु देखना पड़ेगा, गुरु में आपका सिंगल है या डबल भी है या फिलेट है या क्या है, आपका वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं ये जो भी डब्ल्यू पी एस रखा हूँ अभी, ये AWS D1 एडिशन 2020 का बना हुआ है, ठीक है। इसमें ज्वाइन डिजाइन में आपको कैसे देखना है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या पहले होता है ये पर समझ लेते हैं, फिर आपको SME सेक्शन 9 के कौन सा कोड आपको टेबल में लेके जाना है और कौन से किस में देखना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए गुरु टाइप में क्या है, एक ये है सिंगल वी में मैं ये डब्ल्यू पी एस क्वालिफाई करवाया हूँ, ठीक है। गुरु एंगल कितना रहना चाहिए, 60 से 70 डिग्री होना चाहिए। एक्चुअल में आप अगर क्वालिटी के बंदे हैं तो आपको ये सब पहले से ही मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप समझ भी सकते हैं। गुरु एंगल जो भी हम लोग बीवर बनाते हैं ना, कोई भी दो पैरेंट मटेरियल को हमको जोड़ना है ना, उसको उसका डिग्री है वो 62 से 70 डिग्री तक होना चाहिए, या 70 डिग्री 37.5 से हाफ हाफ कर देते हैं, दो पैरेंट मटेरियल जोड़ रहे हैं तो हाफ हाफ करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद गुरु एंगल का बात हो गया, उसके बाद रूट फेस 1.5 mm से 2 mm तक होना चाहिए, रूट ओपनिंग 1.5 mm से 3 mm तक, गुरु एंगल सेम बात की है, ऊपर भी सेम है, ठीक है। और अगर इसमें देखिए बैक स्ट्रिप भी दिया है, बैक स्ट्रिप क्या होता है ये भी थोड़ा बता दूँ। देखिए बैक स्ट्रिप जब भी हम लोग दो बेस मटेरियल जोड़ते हैं ना, उसके नीचे एक स्ट्रिप लगता है, से वेल्डिंग के टाइम एक स्ट्रिप लगाया जाता है, इसको बैक स्ट्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये ज्वाइंट डिजाइन के बारे में बात हो गया, उसके बाद सेकेंड आता है पैरेंट मटेरियल स्पेसिफिकेशन। पैरेंट मटेरियल आपका कौन सा, आपको अभी इसके पहले ही बताया कि कौन सा ग्रेड का आपको मटेरियल से बेस मटेरियल स्पेसिफिकेशन में, इसमें IS 2062 यूज़ किया हूँ, टाइप एंड ग्रेड में E250BR है और AWS एन इक्विवेलेंट टू आई एस, ये सेम ये इसको सेम लिखेंगे। फिर थिकनेस रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन, ये आपको थिकनेस रेंज भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा थिकनेस रेंज कैसे देखते हैं, और वो ये टेबल कहाँ SME सेक्शन 9 में आपको कौन सा टेबल देखना है ये भी आपको मैं आगे आप ये वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, फिलर मटेरियल क्लासिफिकेशन। फिलर मटेरियल क्या क्या रहता है,
ये भी आपको एसएमई सेक्शन 9 में मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन में क्या रहता है, अगर एसएमईडब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं तो ये रहेगा। क्लासिफिकेशन में E7018 लिखते हैं, एफ नंबर, एफ और ए नंबर, एफ ए नंबर भी आप एसएमई सेक्शन 9 के में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोड का डाया, ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना एमएम का आप बेस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या पायरे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोड में क्या है आपका, जैसे मैं ये बोलर का यूज़ किया हूँ, आप ऐसा आपका भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम नेक्स्ट पोजीशन आता है, ठीक है। आपका ये मटेरियल का मटेरियल पर पोजीशन डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोजीशन में आप मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आपका मान के चलिए आप फैब्रिकेशन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फैब्रिकेशन में क्या आप मटेरियल को पलटी भी करके आप फ्लैट पोजीशन भी मार सकते हैं। आप पोजीशन आपका मटेरियल आप कौन सा किस कंडीशन में आप यूज़ करने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा पोजीशन। आप जैसे कि हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग मारना है या वर्टिकल वेल्डिंग मारना है या 2G पोजीशन में वेल्डिंग मारना है, पोजीशन का भी एक वीडियो है, इसका भी लिंक आपको मैं ये वीडियो में दे दूंगा। आपको पोजीशन नहीं मालूम है किस में पोजीशन क्या होता है, वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में आपका मेरा एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक। टेक्निक मतलब इसमें कौन सा टेक्निक यूज करने वाले हैं वो उसके बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। जैसे देखिए स्ट्रिंग एंड वेव बोथ मल्टी पास ए सिंगल पास, इससे मान के चलिए आप वेल्डिंग में कितना लेयर आपको वेल्डिंग चाहिए। सपोज आपको मटेरियल का थिकनेस कम है तो आप एक से दो लेयर में मार सकते हैं आपका, या मल्टी लेयर आपको मारना है, मटेरियल 20 mm से ऊपर है तो आपका वो सब आपका मटेरियल के थिकनेस पर डिपेंड करेगा ये। और इंटरपास क्लीनिंग, इंटरपास क्लीनिंग मतलब जैसे कि कभी भी कोई भी बेस मटेरियल में या पैरेंट मटेरियल में अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्राइंडिंग यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें वायर ब्रश लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिनिमम फ्री हीट एंड इंटरपास टेम्परेचर, ठीक है। इसमें आपको थिकनेस पर डिपेंड करता है फ्री हीट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूँ, ठीक है। फ्री हीट कोई भी मटेरियल को स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम लोग फ्री हीट यूज़ करते हैं, फिटिंग यूज़ करते हैं। और उसके बाद पीडब्ल्यू टेस्ट, जब भी 25 mm से अबव कोई भी मटेरियल रहेगा ना उस पर हमको फ्री हीट और पीडब्ल्यूएसटी आपको जरूरत पड़ता है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट ये जरूरत पड़ता है। और आपका 20 mm से नीचे है या 25 mm से नीचे है मटेरियल तो आप उसमें फ्री हीट पोस्ट हीट नहीं करना जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ थिकनेस आपको चाहिए, टेम्परेचर किस टेम्परेचर में आप उस पर यूज़ करने वाले हैं वो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इसमें आपका कौन कौन सा कितने एमएम का डाया का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, वोल्टेज क्या रहेगा आपका, ये भी आपका या तो आप एसएमई सेक्शन 9 में देख सकते हैं या आप जो इलेक्ट्रोड का जो पॉकेट होता है ना उस पर भी आपका एक मैं हिंट देता हूँ, इलेक्ट्रोड के जो पॉकेट होता है ना उस पर भी आपका ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है ना इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक उसमें भी दिया रहता है, ये भी आप उसमें देख सकते हैं। उसमें आपका वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, पोलरिटी आपको WP से मिलेगा, ठीक है। टेबल स्पीड क्या है, टेबल स्पीड का भी फॉर्मूला होता है, उससे आप टेबल स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए ये सब के बारे में जान गए, अब इसको एसएमई सेक्शन 9 से कैसे देखेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैं अभी टेबल नंबर एसएमई सेक्शन 9 का देखिए एसएमई सेक्शन 9 के सेक्शन 9 ये अपना जो एडिशन है 90 एडिशन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और टेबल नंबर QW 253 मैं ओपन किया हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैं अभी इसके पहले स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था वेरिएबल्स एसेंशियल सप्लीमेंट्री और नॉन एसेंशियल, ठीक है। चलिए आपका एक बार मैं WPS खोल लेता हूँ,
देखिए उसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, ज्वाइन डिटेल। ज्वाइन डिटेल आपको किस में जाकर देखना पड़ेगा, चलिए अब एसएमई आप सेक्शन 9 के टेबल नंबर QWF 253 में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ लिखा है। उसके बाद ब्रीफ ऑफ वेरिएबल्स, इसके वेरिएबल के बारे में इसमें लिखा है, इसेंशियल है ये वो है होगा तो ये इसेंशियल है, इसमें सप्लीमेंटरी तो वहाँ कट मारेगा, नॉन इसेंशियल है इसमें कट मारेगा। चलिए ज्वाइन डिटेल में QW 402, अब आपको QW 402 भी आपको ज्वाइन डिटेल इसमें देखना पड़ेगा। उसमें आपको गुरु डिजाइन मिलेगा, बैकिंग कितना होना चाहिए, ये पैराग्राफ है वन QW 402.1 में आपको गुरु डिजाइन 4.4 में बैकिंग और 10 में रूट स्पेसिंग, 11 में रिटेनर्स और 5 में। चलिए नेक्स्ट आता है, बात आता है नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, देखिए नेक्स्ट में आएगा पायरेट मटेरियल स्पेसिफिकेशन। पायरेट मटेरियल मतलब आपका बेस मेटल, आप बेस मेटल मतलब कौन सा आप मटेरियल आप उसमें यूज़ करने वाले हैं वो आएगा, ठीक है। उसमें आपको कौन सा किसमें जाना है, QW 403, इसमें क्या क्या आपका आएगा, ग्रुप नंबर। अब एक्चुअली ये तो आप एक चीज़ और डाउट में आप हो रहे होंगे कि ये 5 माइनस 5 प्लस माइनस इसका मतलब क्या होता है, इधर मतलब भी दिया है आपका, ठीक है ठीक है। यहाँ लीजेंड दिया है, प्लस माइनस एडिशन माइनस माइनस डिलीशन और ये लेसन इंक्रीज द या ग्रेटर देन, इंक्रीज या ग्रेटर देन, ठीक है, डिक्रीज लेस देन है, ठीक है। ये अप हिल डाउन हिल, ठीक है, और ये फोर हैंड बैक हैंड और 5 मतलब चेंजेस, ठीक है। ये आपको ये टेबल में मिलेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया, इसमें आप इस QW से आप बेस मटेरियल का सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप पैराग्राफ में जाएंगे ना, ये 5 पैराग्राफ में तो ग्रुप नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। 6 नंबर पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको थिकनेस लिमिट मिलेगा, टफनेस कितना है होना चाहिए वो होना मिलेगा। और 8 में जाएंगे QW 403 में बेस मटेरियल में 8 में जाएंगे तो थिकनेस क्वालिफिकेशन मिलेगा, और 9 में जाएंगे तो थिकनेस पास ग्रेटर देन 1/2 × 13 mm। ये आपको ये सब जो भी है ये आपको QW 403 में बेस मटेरियल का आपका टोटल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस रेंज बात करिए, या नेक्स्ट में आप फिलर मटेरियल का बात करिए, ठीक है। फिलर मटेरियल इसमें दिया है, चलिए फिलर के पहले बात कर लेते हैं। फिलर आपको सिलेक्शन कैसे करना है ये आपको किस में देखना है। देखिए फिलर मटेरियल का सिलेक्शन आपको QW 404 में 5 paragraph 4, 5, 6, 7, 12, 13, 13, 3 इसमें आपको F नंबर मिलेगा, A नंबर मिलेगा, डायमीटर मिलेगा, डायमीटर कितना से कितना होना चाहिए ये भी दिया है, और 5 क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको, क्यू थिकनेस मिलेगा, और ये भी इसमें भी क्लासिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें एक और बात ध्यान देना है कि ये इसेंशियल मतलब इसेंशियल दिया है, नॉन इसेंशियल दिया है या इसेंशियल दिया है, सप्लीमेंट्री दिया है या नॉन इसेंशियल दिया है, ठीक है। आपको मैं पहले भी बताया, अगर इसेंशियल दिया रहेगा तो आपको WPS को रिक्वालीफाई करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री दिया है तो भी आपका टफनेस प्रॉपर्टीज चेंज होगा तो भी आपको रिक्वालीफाई WPS रिक्वालीफाई करना पड़ेगा। बट अगर एक कंडीशन है, अगर इसमें नॉन इसेंशियल दे दिया, अगर नॉन इसेंशियल में अगर ये फिलर मटेरियल चाहे कोई भी मटेरियल आपका आ रहा है तो आपको WPS रिक्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। QW 405 में आप पोजीशन देखेंगे तो आपको पोजीशन मिलेगा, आपको बताया ऑफ हिल और डाउन हिल। वर्टिकल वेल्डिंग में ऑफ हिल दो पोजीशन आता है, ऑफ हिल और डाउन हिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं QW 406 फ्री हिट, इसमें आपको फ्री हीटिंग का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए,
आपका मटेरियल का थिकनेस कितना है वो पहले आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। PWST आएगा ना, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट आएगा कि नहीं आएगा ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इसका एक और पार्ट आएगा, बहुत जल्द आपको एक पार्ट और मिलेगा, और इसमें हमें आपको थिकनेस रेंज कैसे देखना है, बेस मेटल का थिकनेस रेंज कैसे हम पता करेंगे, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आप देखिए, ये जो भी WPS में इसमें लिखा हुआ है, जो भी देखिए, इसमें जो जो मैं हाईलाइट किया हूँ ना, इसमें जो जो हाईलाइट किया हूँ वो सबका जवाब, मैंने उसका रिप्लाई आपका ये टेबल आपको दे देगा, ठीक है। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके वजह से मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करना कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। QW इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक भी आप देख लिए, इसमें देखिए मैं लिखा था इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या करना चाहिए, आपका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, वोल्टेज कितना रहना चाहिए, एम्पियर करंट कितना रहना चाहिए, पोलरिटी क्या है, टेबल स्पीड क्या है, ये है इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलिए अभी एक और चीज़ बता देता हूँ, थिकनेस रेंज कैसे देखेंगे, कौन सा टेबल में जाएंगे। चलिए, आपको ये भी एक चीज़ और डाउट होगा, ये टेबल हमको नहीं दिखाए, QW402। चलिए, एक टेबल मैं आपको कोशिश करता हूँ, एक टेबल आपको मैं दिखा दूँ। चलिए ठीक है, ये टेबल है आपका, ये आर्टिकल 4 में जाएंगे, वेल्डिंग डाटा में आर्टिकल 4 में, तो आपको ये टेबल मिलेगा। इसमें क्या टेबल मैं हम लोग देख रहे थे, क्या टेबल चाहिए था अपने को, देखिए टेबल नंबर QW402 पैराग्राफ 1 में आपको क्या मिलेगा, गुरु डिजाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, QW402 पैराग्राफ 1, ठीक है। ये इसको पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे और इसको QW402 पैराग्राफ 2, QW402 पैराग्राफ 3 बोलेंगे। यहाँ आपको किसमें क्या चेंजिंग करना है ये आपको इसमें डिटेल मिलेगा। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। चलिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपका, थिकनेस रेंज कैसे देखेंगे। इसमें आपका WPS में आपका एक चीज़ और है, थिकनेस रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये टेबल कहाँ मिलेगा आपको, SME सेक्शन 9 में, ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक्चुअल में ये मैं दूसरा प्रिंट ले लिया, इसका इसी का एक और पार्ट है, QW451.1B में आप जाएंगे ना, मैं ये टेबल गलत ले लिया, यहाँ बी लिखा रहेगा आपका, QW451B SME सेक्शन 9 के ये बी में आपको थिकनेस रेंज ऐसा सेम रहेगा, सेम टेबल रहेगा, लेकिन उसमें आपको WPS का क्वालिफिकेशन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ मिस्टेक भी आपको वीडियो में लगता है तो वो भी बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि ज़रूर उसको अच्छा से अच्छा वीडियो आपको के लिए ला सकूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।